इट्स एपी मेलीफेरा इटेलियन वीज कलेक्टिंग पोलन। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो फिर आया हूँ मैं आज एक नई प्लेस में। आज आपको फिर एक ऑर्गेनिक चीज़ दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक शहद कैसे निकलता है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे, ये सारा पूरा जंगल है। आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे ये आपको जंगल दिखेगा। 20 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर ये जंगल है। और तभी आप देखो यहाँ पे मधुमक्खी के बॉक्स भी रखे हुए हैं। ये क्यून है, और इसके बाद इन मक्खियों ने यहाँ, अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए आप, ये पोलन है इन जंगलों से कलेक्ट किया हुआ इन मक्खियों ने। और इसके बाद ये शहद है टोटल, ये देखिए आप, ये प्योर एंड नेचुरल हनी, ये ठीक है, ये शहद है जो इन जंगलों का शहद। बाकी आप देख सकते हैं हम कैसे शहद को निकालते हैं, प्योर एंड नेचुरल हनी। ये शहद को ऐसे निकाला जाता है, और ये हम इसकी अनकैपिंग कर रहे हैं। अनकैपिंग करने के बाद इसको फिर हम मशीन में रखा जाएगा, और इसको फिर घुमाया जाता है इस मशीन को धीरे धीरे आराम से, ताकि छतें ना टूटें। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये शहद निकल जाता है, और छतें शहद निकलने के बाद फिर हम दोबारा इसको छत्तु को वापस मक्खी को रिवर्स कर देते हैं, ताकि मक्खी का काम ना रुके। अभी दूसरी साइड से, एक साइड से निकल गया, उल्टा करके फिर इसको दूसरी साइड से निकालेंगे। तो ये दूसरी दोनों साइड से क्यों करते हैं? नहीं नहीं, एक मक्खी ने, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे मक्खी ने यहाँ भी शहद पैक किया और यहाँ भी। अच्छा। इसलिए एक बार इधर निकलेगा, दूसरी बार इधर निकलेगा। ये बैक्स है, इसमें शहद निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको गर्म पानी में निकाल के फिर इसका बैक्स हम तैयार करते हैं। क्या इसमें कुछ नई चीज़ आप बताना चाहेंगे बैक्स के बारे में? बैक्स में के बारे में मैं नई चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी कैंडल बना के अगर आप घर में 10-15 मिनट डेली जलाएं, तो इसका जो जितने भी जो माइक्रो जो पार्टिकल हैं, इसकी जो एनर्जी जो नीचे सेटल हो जाती है और पूरे वातावरण को ये शुद्ध कर देता है। और इसकी जो फ्लेम होती है मोमबत्ती की, तो उसमें जो जहरीली जो गैस होती है वो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ धुआं वगैरह नहीं निकलता इस कैंडल से। और इसकी जो लाइट है पैराफिन कैंडल से और इसकी लाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है उसकी लाइट में, इसलिए ये नेचुरल चीज़ है और दूसरा सिंथेटिक है, इसलिए इसमें काफ़ी फर्क है। कलर्स होती है ये मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं, लेकिन इसका तरीका वो लग है इकट्ठा करने का, ऐसे तो ये थोड़ा बहुत यहाँ लगा हुआ है, इसको कलेक्ट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का कि हम ये प्रोपेलर्स को कैसे इकट्ठा करते हैं। तो इसकी जो मैंने पहले भी बताया कि ये कैंसर तक भी, कैंसर सेल को ये ख़त्म कर देती है, ये ऐसी एक मेडिसिन है। तो इसको लेने का ढंग यही है कि आप शहद के साथ इसको ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। बचाव के लिए ये इकट्ठा करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई मधुमक्खी को कोई अटैक ना करे। अच्छा 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 अच्छा। कोई वायरस कोई अटैक ना करे, तो उसी के लिए ये इकट्ठा करती है, अपने लिए इकट्ठा करती है। वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम अगर खाएंगे भी तो ये अंदर भी बैक्टीरिया जो है उसको भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर नेक्टर आ गया कि इसको इसमें भी भर दिया इसने, और इसको ऐसे कटिंग किया जाता है ताकि शायद हर सुराख में हर सेल से शायद निकले। मधुमक्खी ने क्या किया, यहाँ इसने पोलन स्टोर किया अपने बच्चों के लिए, ये है पोलन ठीक है। इसके बाद अगर इन सेल्स में देखोगे तो यहाँ इनके ये लार्वा हैं, ये 6-7 रोज़ का लार्वा है। उसके बाद ये प्यूपा स्टेज में आ गया, इसमें से इसके फिर बच्चे अडल्ट स्टेज वाले निकलते हैं। और इसके साथ पोलन के साथ इन्होंने ये अपने बच्चों के लिए क्या किया, ये इन्होंने शहद पैक किया हुआ है यहाँ पे, और ये अपने फीड के लिए ये बेचारे इकट्ठे करते हैं। बताऊँगा कि ये पोलन भी जंगलों में कई तरह के फूल हैं, तो इन जंगलों में अलग अलग तरह के पोलन आते हैं, कई तरह के पोलन हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों को पोलन के बारे में भी अवेयरनेस किया जाए कि ये शहद से ज़्यादा ताकतवर पोलन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, एंजाइम है, मिनरल है, ऑल द विटामिन्स प्रेजेंट इसमें, सभी विटामिन प्रेजेंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो शहद है दुनिया भर में ये मशहूर है, टोटल एक्सपोर्ट होता है यहाँ का शहद, जैसे यहाँ का सलाई का शहद, ये किश्तवाड़ डोडा साइड का, ये सफ़ेद कलर का, और इसके साथ अभी अगले महीने में ये केशिया हम निकालेंगे श्रीनगर से, और जम्मू का ये भरेंकड़ कड़ी पत्ते का, ये टोटल एक्सपोर्ट क्वालिटी के यहाँ के शहद होते हैं, और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन शहदों का। तो सर सबसे अच्छा फूल कौन सा है शहद के लिए? और हम
हाँ, हमारे जो जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा शहद है वो है केशिया का और सुलाई का, और उसके साथ ही जो मैं सबसे बढ़िया, उससे भी बढ़िया जो मानता हूँ मल्टीफ्लोरा जो जम्मू का है, उसका तो क्या कहना जी। सर जैसे ये वाइट कलर का भी शहद होता है मल्टीफ्लोरा का जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें? हाँ, जो वाइट कलर का शहद हमारे जो केशिया जहाँ सुलाही का हम डोडा से निकालते हैं, ये एक जूनी फ्लोरल हनी है। जूनी फ्लोरल में सिंगल फूल से मक्खी ने क्लट किया, उस सीजन में और कोई दूसरा फूल होता नहीं है, तो हम उसको जूनी फ्लोरल हनी बोलते हैं। तो इसके साथ जो जम्मू एरिए का जो मल्टी फ्लोरा, उसमें मल्टी में बहुत ज़्यादा फूल, कई तरह के रंग बिरंगे फूल जिससे मक्खी जाती है और नेक्टर क्लट करते हैं, इसलिए हम उनको मल्टी फ्लोरा कहते हैं। यहाँ पर कितनी तरह के फूल हैं जिससे मधुमक्खियाँ शायद बनाती हैं, तो क्या वो हमें आप बता सकते हैं? यहाँ इन जंगलों में तो हजारों फूल हैं जी, कितने फूल हैं ये मधुमक्खी को ज़्यादा पता हमारे से, लेकिन फिर भी हम कुछ फूलों को हम जानते हैं, जैसे शीशम, ताली हम बोलते हैं पंजाबी में, शीशम और ये भयंकर एक सफ़ेद रंग का फूल यहाँ होता है, वो सांस की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा उसका शहद होता है। तो इसके अलावा यहाँ कड़ी पत्ता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, मतलब उसका शहद भी बढ़िया होता है। बाकी इसके अलावा दुनिया भर के इन जंगलों में फूल हैं जो मधुमक्खी इन फूलों से अपना नेक्टर कलेक्ट करती है और शहद बनता है उनसे। फिर तकरीबन हाफ सीजन हो रहा है यहाँ, एक हमारे तक कड़ी पत्ते का, ये कड़ी पत्ता है ये फूल ऐसे, ये देखो, और ये अभी बारिश की वजह से ये थोड़ा फूल थोड़ा मतलब कम हो गया, तो ये है कड़ी पत्ता। और इसके अलावा कुछ यहाँ एक फूल था दूसरा भयंकर का, तो ये ऐसे होता है ये भयंकर का, तो इसका जो शहद है इनके इसके लिए बहुत कारगर है उसका शहद, इसके फूलों के तैयार किया हुआ शहद। तो इसके अलावा शीशम, बहुत कुछ अंदर जंगल में बहुत सारी फूल हैं जिससे हम शहद कलेक्ट करा सकते हैं।